जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माँ दुर्गा सप्तशी के द्वितीय अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध का वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। यह कथा हम लोग हिंदी में सुनेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब कथा को श्रवण करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओमे मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्मिक छंद, साकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवतों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध हुआ। दोनों पर बहुत बड़ा क्रोध किए, उनकी भौंहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस देव तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह सब एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, उससे उस देवी के मुख का प्रकट हुआ। जमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों अस्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य आय देवताओं के तेज से भी अन्य कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रत से ब्रज उत्पन्न करके दिया और रावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक का छी माला तथा ब्रह्मा जी ने
कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र, सभी बाहुओं के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। थानाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अष्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत शिखर हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभ ग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि आ, यह क्या हो गया रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य कर दौड़ा और फिर आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपनी धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों के युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महा असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहालिया 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अली असीलोमा नामक महादैत्य 5,000 रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5,000,000,000 रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दत्तों के शरीर पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा है। रणभूमि में दत्तों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने
जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। और परशु बिंदीपाल खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने के लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादेवों को संहार कर डाला। कितनों की घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास में बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा के चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की बिष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ा के दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन गई, किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गई। कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्यभाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डालती थी। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धर से रूप में अग अच्छे अच्छे हथियार हाथों में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड़ग शक्ति और स्टील लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी की ओर युद्ध लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना ने हाथी घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तीर और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उस महादैत्य के पास ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मय महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।